मायावती अखिलेश के बीच पावर गेम के बीच कांग्रेस ने बढ़ाया दांव। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। गांधी अब उत्तर प्रदेश में 11 दिन बिताएंगे और 20 जिलों का दौरा करेंगे। गांधी की 2 महीने लंबी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उत्तर प्रदेश स्पष्ट रूप से कांग्रेस के ध्यान के केंद्र में है, जिसे लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में नई जान फूंकने के लिए रणनीतिक रूप से योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पुनरुद्धार के लिए काम करने के इरादे की जोरदार घोषणा करके विपक्षी सहयोगी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सबसे पुरानी पार्टी पर उत्सुकता से नजर रखेगी, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती भाजपा और विपक्षी समूह से समान दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने हाल ही में चेतावनी दी थी कि उनकी पार्टी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में किसके समर्थन की आवश्यकता होगी और पार्टियों को खुद को पछतावे की स्थिति में ढूंढना चाहिए। बसपा सुप्रीमो भी समाजवादी पार्टी पर लगातार हमले कर रही है। मायावती ने विकसित भारत यात्रा की कड़ी आलोचना करते हुए देश में बेरोजगारी और कम प्रति व्यक्ति आय के मुद्दों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर भी हमला बोला, लेकिन उत्तर प्रदेश में अधिकांश दिन बिताने की कांग्रेस की योजना राज्य में आश्चर्य का तत्व लाने के लिए पार्टी की गंभीरता को दर्शाती है। इसमें कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। गांधी राज की वीआईपी संसदीय सीटों वाराणसी, रायबरेली और अमेठी में दिन बिताएंगे। ये याद किया जा सकता है कि गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में अधिकांश दिन दक्षिणी राज्यों में बिताए थे और पार्टी कर्नाटक और तेलंगाना में चुनावी सफलता का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को पुनर्जीवित करने के गांधी के प्रयासों को देती है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के लिए सपा और बसपा दोनों पर दबाव डाल सकती है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाले संगठन के लिए लोकसभा सीटों की सम्मानजनक संख्या भी दे सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस स्ट्राइक रेट में सुधार करने और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में कम संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है, जहां पार्टी जीत सकती है। कांग्रेस नेता इस तथ्य से सावधान है कि विपक्षी गठबंधन से दूर रहने वाली बसपा उत्तर प्रदेश में 2014 जैसे नतीजे की संभावना बना सकती है, जब भाजपा ने कम वोट शेयर के बावजूद 71 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में चुनावपूर्ण विपक्षी गठबंधन के कारण भाजपा की सीटें घटकर 62 रह गईं, जबकि बसपा ने 2014 में 0 से 10 सीटों के साथ मजबूत वापसी की थी।